पुत्र कहो सूर्य पुत्र कहो या कहो राधेये दानवीर महाबली पराक्रमी या कहो कौन्ते कुंती पुत्र कहो सूर्य पुत्र कहो या कहो राधेये दानवीर महाबली पराक्रमी या कहो कौन्ते कवच कुंडल धारक जिसकी अलग ही पहचान महावीर महदानी पराक्रमी कर्ण ही एक नाम महावीर कर्ण। कर्ण एक महानायक है। कर्ण जैसे वीर व्यक्ति की कहानी वहां से शुरू होती है जहां गुरु द्रोणाचार्य ने एक प्रतियोगिता रखी थी जिसमें वो देखना चाहते थे कि पांडव और कौरव जो उनके शिष्य थे उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। युधिष्ठिर अपनी भाला की कला में सर्वश्रेष्ठ थे। भाला फेंकने में उनका सानी और कोई नहीं था। और भीम और दुर्योधन वो अपनी गदा युद्ध में अति उत्तम थे। वैसे ही नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव तलवारबाजी की कला में निपुण थे। ये दोनों अर्जुन के छोटे भाई थे। अर्जुन अपनी धनुष कला में इतने निपुण थे कि पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य भी उनसे बहुत प्रभावित हो गए। अर्जुन ने अपने धनुष की कुछ ऐसी प्रभावशाली कला दिखाई कि वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। वास्तव में इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो अर्जुन का सामना कर सके। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जो अर्जुन की बराबरी कर सके। वो महान धनुर्धर है। तुमने सत्य कहा। इस प्रतियोगिता में वो ही एक योद्धा है। सभी अर्जुन की स्तुति करने में मगन थे कि तभी कवच और कुंडल परिधान किए हुए देवता समान एक तेजस्वी पुरुष ने रणभूमि में प्रवेश किया। इस नए आने वाले व्यक्ति को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। देखो तो वो महान व्यक्ति कौन है। वो तो सूर्य की तरह चमक रहा है। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो राजकुमार ही होगा। देखो कितना तेजस्वी लगता है। मैं भी प्रदर्शन करना चाहता हूँ। मैं अर्जुन से अच्छी कला दिखा सकता हूँ। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो। सिद्ध करके दिखाओ। तो देख लो मैं तुमसे अच्छा धनुर्धर हूं या नहीं हूं। इतना कहकर कर्ण ने अपने धनुर्विद्या का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने अग्नि बाण छोड़कर अग्नि वलय निर्माण किए और तुरंत ही दूसरा बाण छोड़कर अग्नि वलय नष्ट भी कर दिए। हे भगवान, कितना शक्तिशाली युवक है ये। मुझे लगता है किसी बड़े राज का युवराज होगा। इतना ही नहीं अपितु कर्ण ने एक तेज घूमते हुए धातु के प्राणी के मुंह में 5 बाण छोड़े और उसके पश्चात उसने एक अंतर्धान बाण छोड़ा जिससे वह दृश्य हो गया और तुरंत ही रणभूमि के दूसरे भाग में प्रकट भी हो गया। शाबाश, वाह वाह, बहुत अच्छे।
देखो ये तो अर्जुन से भी बेहतर योद्धा है। इस महान धनुष कला के प्रदर्शन के बाद कर्ण ने पर्जन्य बाण का संधान किया और आकाश से धुआंधार वर्षा होने लगी। इसके तुरंत ही बाद कर्ण ने वायव्य बाण का संधान किया और होने वाली वर्षा को रोक भी दिया। अब बारी थी पुष्प बाण की। कर्ण ने अब पुष्प बाण से पुष्पमाला का निर्माण किया और महाराज का स्वागत किया। वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कितने अद्भुत कला है इस नवयुवक में, सच में ये बहुत महान है। कर्ण तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता, तुम्हारी बहादुरी और शस्त्रों की कला ने मेरा दिल जीत लिया है। सुनो ये मेरा राजपाठ अब सब कुछ तुम्हारा है, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण की जाएगी। युवराज मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे तो चाहिए आप जैसे महाबली से मित्रता और अर्जुन से लड़ने का साहस। तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, आज से तुम मेरे बराबर के हुए, अब मैं भविष्य से क्यों डरूं? हे कर्ण हमने तुम्हें नहीं बुलाया था फिर भी तुम आ गए, तुमने इस सभा की शांति को भंग किया है, मैं तुम्हें इसी वक्त मार डालूंगा, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों नहीं अर्जुन, ये रणभूमि तुम्हारे लिए आरक्षित नहीं है, जिस किसी को धनुर्विद्या आती वो यहां आ सकता है। हे महावीर योद्धा तुम कौन हो, नियम के अनुसार इस प्रतियोगिता में सिर्फ राजकुमार ही लड़ सकते हैं, अर्जुन तो पांडवों का राजकुमार है, किंतु तुम कौन हो और किस राज्य से आए हो? कोई भी साधारण मनुष्य इस प्रतियोगिता में युद्ध नहीं कर सकता। मैं एक सारथी पुत्र हूं तो क्या हुआ, ये लोग इस बात को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूं, क्या साहस और वीरता एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है? कृपाचार्य जी आप क्या बात कर रहे हैं, आप ये सोचते हो कि अर्जुन तो राजकुमार है और कर्ण नहीं है ना? मैं घोषणा करता हूं कि कर्ण एक राजा है, मैं उसे अंग देश का राजा घोषित करता हूं, अब तो वो राजा है, अर्जुन को चुनौती दे सकता है ना? ये कहते हुए दुर्योधन कर्ण के पास आया और उसने कर्ण के शीश पर मुकुट चढ़ाया और उसे अंगदेश का राजा घोषित किया। किंतु कर्ण इस उपकार का बदला कैसे चुका था? अर्जुन तो ये सब देख रहा था, वो अत्यंत क्रोधित हुआ। कर्ण तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं चुनौती देता हूं कि तुम युद्ध करो। मैं भी तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकता हूं, पर मेरी ये इच्छा नहीं कि इस जगह अकारण रक्तपात हो। अर्जुन और कर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गए कि तभी कर्ण के पिता अधिरथ वहां आ पहुंचे। कर्ण मेरे पुत्र तुम्हारा यश बढ़ता ही जाए। भीम जो अब तक चुपचाप इस दृश्य को देख रहे थे समझ गए कि कर्ण अधिरथ का पुत्र है। कर्ण तुम तो सारथी अधिरथ के पुत्र हो ना, फिर बताओ तुम कैसे अर्जुन की बराबरी कर सकते हो जिसने चंद्रवंश में जन्म लिया है, तुम तो अंग देश के राज्य के लायक भी नहीं हो, तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे जाओ। भीम तुम्हारी बातें एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देती। दुर्योधन के शब्द सभा में बैठे सारे लोगों के कानों में गूंजने लगे, पूरी सभा में शोरगुल मचा हुआ था, सभी लोग दुर्योधन के शब्दों के बारे में गहराई से सोच रहे थे कि तभी सूर्यास्त के कारण सभा समाप्त हो गई। सारे लोग कर्ण की बहादुरी का वर्णन और अंगदेश के राजा बनने के बारे में बात करते हुए घर चले गए। और उधर अधिरथ जानता था कि कर्ण उसका पुत्र नहीं है और ना ही वो सारथी है,
वो याद करने लगा कि कर्ण कैसे उसे गंगा नदी के तट पर मिला था। हे सूर्यदेव, आप तो सारे विश्व को उजाला देते हो। भगवान, मुझे पुत्र नहीं है, इसलिए मेरा जीवन निरर्थक है। मुझ पर दया करो, मुझे एक पुत्र दो। कि तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और अधिरथ को उसकी ओर बहते आ रही एक बड़ी सी टोकरी नजर आई। अधिरथ ने झुककर देखा तो उसे उस टोकरी में एक मलमल के वस्त्र में लिपटा एक नन्हा सा बालक लेटा हुआ दिखा। उस बालक के सर्वांग पर एक चमकता हुआ कवच था और उसके कानों में चमकते हुए कुंडल। बालक बहुत ही प्यारा था। आनंदित अधिरथ बच्चे को लेकर अपनी पत्नी राधा के पास अपने घर आया। देखो राधा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, उन्होंने हमें ये पुत्र दिया। मुझे ये पुत्र गंगा के किनारे टोकरी में मिला। सच वास्तव में, देखो तो ये बालक कैसे सूर्य की तरह चमक रहा है। मैं सूर्य देवता को धन्यवाद करती हूँ। राधा और अधिरथ ने उस बालक का नाम वसुसेन रखा। उन्हें क्या पता था कि बड़ा होकर यह बालक कर्ण नाम से ही पहचाना जाएगा। धीरे धीरे कर्ण बड़ा होता गया। 16 वर्ष की उम्र में कर्ण ने अनेक शस्त्र चलाने में महारत हासिल की। उसकी यह महारत देखकर उसके मित्र भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। कर्ण के मन में ध्यान प्राप्त करने की दहकती ज्वाला थी और वो राजकुमारों को गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेते हुए देखकर मन ही मन गुरु द्रोण के शिष्य होने के बारे में सोचने लगा था। एक दिन वो द्रोणाचार्य के आश्रम में गया और गुरु द्रोण से विनती करने लगा। गुरु द्रोणाचार्य, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखूं। तुम यहां आए कैसे? तुम एक सूत पुत्र हो, तुम जैसे लोगों को मैं नहीं सिखाता। चले जाओ। गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। मैं निम्न जाति का हूं, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं सिद्ध कर सकता हूं। गुरुदेव, मुझे एक मौका दीजिए। तुम एक सूत पुत्र हो, चले जाओ। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं तुम्हें सिखाने की। ऐसे ही कहीं किसी से बात करते हुए उसने परशुराम जी का वर्णन सुना। परशुराम, क्या तुम उनके बारे में नहीं जानते? वो जमदग्नि ऋषि के पुत्र है और वो मुनि होते हुए भी वीर योद्धा है। ये कैसे हो सकता है, एक मुनि और योद्धा? परशुराम पूरी पृथ्वी का 21 है, कोई भी क्षत्रिय उन्हें पराजित नहीं कर सकता। जब वो अपना धनुष उठाते हैं तो सारा विश्व घबरा जाता है। क्या तुम जानते हो कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ है। वो ही एक है जिन्होंने पृथ्वी को अन्याय से बचाने के लिए जन्म लिया। जब कर्ण ने यह सुना तो उसके मन में परशुराम के प्रति अति प्रेम और आदर की भावना बढ़ने लगी। उसकी इच्छा हुई कि वो ऐसे महान व्यक्ति का शिष्य बने और उनसे ही धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करे। लेकिन उसके मन में एक चिंता थी कि क्या परशुराम उसे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे। लेकिन हां, परशुराम जी ने कर्ण को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। किंतु परशुराम जी तो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण के बारे में परशुराम जी बहुत कम जानते थे। ऐसे में कर्ण राधेय की शिक्षा प्रारंभ हुई। कर्ण ने गुरु परशुराम के आश्रम में कई वर्ष बिताए और एक अद्वितीय धनुर्धर बन गया। सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र उसे परशुराम जी ने सिखाए थे और परशुराम तो उससे अत्यंत प्रभावित थे।
एक दिन दोपहर के समय परशुराम जी बहुत थक गए थे। विश्राम करने के लिए उन्होंने अपना शीश कर्ण के जंघाओं पर रखकर आराम करना चाहा। उन्हें नींद लग गई। उसी समय एक मधुमक्खी कहीं से उड़ती हुई आ गई और इधर उधर उड़ते हुए उसने कर्ण के जंघा पर दंश किया। वह मधुमक्खी उसके जंघा को छेदने लगी। कर्ण तो किसी तरह उसे भगा नहीं सकता था, क्योंकि इससे गुरु के विश्राम में बाधा आती। आखिरकार जंघा से बहते हुए रक्त का स्पर्श गुरु परशुराम जी को हुआ। वो उठ खड़े हुए। उन्होंने रक्त देखा और पूछा, ये क्या है शिष्य, इतना रक्त कहां से आ गया? गुरुदेव, मेरे कारण आपके निद्रा में कोई बाधा आए ये मैं कदापि नहीं सहन कर सकता, और मैं क्या करता, इसलिए मैंने मधुमक्खी के डंक की भी कोई परवाह नहीं की। ये असंभव है, तुम एक ब्राह्मण होकर इतना दर्द शांति से कैसे सह सकते हो? गुरुदेव, दर्द की तो सीमा ही नहीं थी। गुरु परशुराम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कर्ण को सर से पांव तक देखा और उन्हें पता चल गया कि कर्ण ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो निश्चित ही एक क्षत्रिय है। और ये सोचकर गुरु परशुराम जी को क्रोध आ गया। कर्ण, मुझे सच बताओ, तुम कौन हो? क्या तुमने मुझसे कुछ छुपाया है? कर्ण कुछ कह नहीं पाया, वो सर झुकाकर शांत खड़ा रहा। आखिरकार गुरु परशुराम ने कर्ण को शाप दिया। कर्ण, तुमने अपने गुरु को धोखा देकर यह प्रशिक्षण प्राप्त किया। मैंने तुम्हें शक्तिशाली शस्त्रों के प्रयोग के बारे में सिखाया, किंतु जब तुम्हें उसके ध्यान की आवश्यकता होगी उस समय तुम सब भूल जाओगे। कृपा करे गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता था। गुरु परशुराम जी को अपने शिष्य पर दया आ गई। मैंने जो कहा है उसे मैं बदल तो नहीं सकता, किसी भी तरह तुम्हें यश चाहिए, वो तुम्हें पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तुम इस पृथ्वी पर एक महान धनुर्धर के रूप में जाने जाओगे और तुम्हारी उदारता तो भगवान से भी बढ़कर जानी जाएगी। तुम्हारा यश सारे विश्व में फैलेगा। कर्ण और दुर्योधन मित्र तो थे, अब तो उनकी मित्रता दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई। इस सारे समय में दुर्योधन ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि वो एक महाराजा है और कर्ण एक सारथी पुत्र। कर्ण, तुम एक अच्छे योद्धा हो, इस पृथ्वी पर तुमसे अधिक बलशाली कोई नहीं। हाँ मित्र, पर यह केवल तुम्हारी वजह से, तुम्ही ने मुझे यह सम्मान दिया है। संपूर्ण पृथ्वी तल पर कर्ण जैसा कोई दानी नहीं था। उसी तरह वो अपने वचन को भली भांति निभाता भी था। सैकड़ों गरीब लोग रोज उसके पास आते थे और कर्ण मुस्कुराकर उन्हें धन धान्य और वस्त्र का दान किया करता था, और इसीलिए वो संपूर्ण पृथ्वी तल पर दानवीर कहा जाने लगा, जिसका मतलब उदार था। और जो कोई भी कर्ण के पास जाता कभी खाली हाथ लौट कर नहीं आता। इतना ही नहीं, वो मित्रता भी भली भांति निभाता था। जब भी कौरव पांडवों का झगड़ा होता वो हमेशा दुर्योधन का ही पक्ष लेता। मुझे पांडवों का विनाश करना है, खासकर अर्जुन का। कर्ण, हाँ? मैं जानता हूं कि तुम वीर हो, किंतु मुझे पांडवों की शक्ति से डर लगता है। चिंता न करो मित्र, एक बार हमारे और पांडवों के बीच युद्ध हो जाए फिर आप देखना मैं उन्हें कैसे कुचलता हूं। कर्ण के मुंह से यह उद्गार सुनकर दुर्योधन चिंता मुक्त और साहसी हो जाता था। कारण कर्ण के पास थे
शक्तिशाली और अमूल्य कवच और कुंडल, जिसके कारण धरती पर उसका कोई सानी नहीं था। इंद्र जानता था कि एक न एक दिन उसके पुत्र अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध होगा, इसीलिए इंद्र ने एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण के पास उसके कवच कुंडल मांगने पहुंच गया। किंतु इंद्र के इस कपट की पूर्व कल्पना कर्ण को उसके पिता सूर्य ने पहले ही दे दी थी और उसे इस बात से अवगत कराया था कि अपने कवच कुंडल किसी को ना देना। कर्ण, तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली और कीमती कवच कुंडल प्रदान की है, परंतु सावधान, चाहे कुछ भी हो जाए किंतु तुम ये कवच कुंडल किसी को भी मत देना, ये मेरी आज्ञा है, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हे परमपिता सूर्यदेव, मैं किसी को निराश नहीं कर सकता, उससे तो मुझे मृत्यु अधिक प्रिय है। अगर मुझे कोई कुछ मांगे तो मैं खुशी से उसे दे दूंगा, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। हे महान योद्धा, मैं एक ब्राह्मण हूं और आपसे भिक्षा चाहता हूं। हे विद्वान ब्राह्मण, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? क्या तुम अपनी कवच कुंडल मुझे दे सकते हो? मैं बड़ी प्रसन्नता से यह कवच कुंडल आपको दे रहा हूं, इसका स्वीकार कीजिए। कौरव और पांडवों के बीच राज्य पाने के लिए युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरव और पांडव की सेना युद्ध के लिए सज्ज हो गई। कौरव सेना की ओर से पितामह भीष्म को कौरव सेना का मुख्य सेनापति चुना गया। उन दिनों शक्तिशाली योद्धाओं को उनकी शक्ति और कला के दर्जे के अनुसार महारथी और अतिरथी ये पदवियां दी जाती। ये तो पूर्ण सत्य है, कर्ण न तो अतिरथ है न वो पूर्ण रथ है। परशुराम जैसे गुरु ने भी उसे अभिशाप दिया है, यहां तक कि उसके पास जो प्राकृतिक कवच कुंडल जो उसकी सुरक्षा कर सकते थे वो भी उसने किसी और को दान दिए हैं। अब वो पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा, इसलिए वो सिर्फ अर्धरथ है। सच कहा भीष्म पितामह, कर्ण अब केवल अर्धरथ है। हे भीष्म पितामह, आप मुझसे इतनी घृणा क्यों करते हो? मैं तो दोषी नहीं हूं, फिर हर बार आप मुझे ऐसे क्यों कोसते रहते हो? मैं जो कह रहा हूं वो पूर्ण सत्य है, तुम वास्तव में ही अर्धरथ हो, ये तो पूर्ण सत्य है। परंतु भीष्म पितामह, आप तो मुख्य सेनापति हो, क्या सेना में इस तरह का मतभेद उचित है? कौन कह सकता है कि आप मुख्य सेनापति पद के लिए योग्य हो? भीष्म पितामह, अब आप बूढ़े हो चुके हैं और इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। भीष्म पितामह सोचते हैं कि इस विश्व में वही एक योद्धा है। मैं अकेले ही पांडव और उनकी सेना का सर्वनाश कर सकता हूं, पर जहां मेरा बार बार अपमान होता हो वहां मैं क्यों लड़ू? हां कर्ण, मैं जानता हूं तुम अकेले ही शत्रुओं को पराजित कर सकते हो। अगर मैं शत्रुओं को मार भी डालू तो सारा गौरव भीष्म पितामह का होगा, क्योंकि वे मुख्य सेनापति है
यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब पितामह भीष्म पराजित होंगे तभी मैं युद्ध लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा और पांडव और उनकी सेना का सर्वनाश कर दूंगा। कर्ण, तुम सोचते हो कि तुम एक सारथी पुत्र हो, है ना? किंतु ये बात सत्य नहीं। अधिरथ तो केवल तुम्हारे पोषण करता है, जन्मदाता नहीं। तो मैं किसका पुत्र हूं? कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो। क्या? हाँ, जब वो कुमारी का थी तब उसने तुम्हें जन्म दिया। तुम सूर्य देव की कृपा से जन्मे थे। तुम एक क्षत्रिय हो और पांडवों में सबसे ज्येष्ठ हो। ये नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा? कुंती, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उन्हें डर था कि लोग उन पर लांछन लगाएंगे। उसने तुम्हें एक टोकरी में डाला और तुम्हें बहती हुई गंगा में छोड़ दिया। तुम फिर अधिरथ को मिल गए। तुम कौरव पांडवों में ज्येष्ठ हो। तुम पांडव कुल के महाराजा हो। पांडवों को इस बात का जब पता चलेगा कि तुम उनके बड़े भाई हो तो उन्हें बहुत खुशी होगी। फिर कोई युद्ध नहीं होगा और हजारों लोगों की जान बच जाएगी। कृष्ण, आप कहते हो कुंती मेरी माता है क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया, पर माता राधा ने मुझे अपना दूध पिलाया। अधिरथ ने मुझे अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार दिया। इसीलिए मैं यही चाहूंगा कि मैं राधेय नाम से जाना जाऊं। अगली सुबह कर्ण गंगा जी के तट पर सूर्यदेव की प्रार्थना कर रहा था कि उसी समय वहां माता कुंती आ गई। कर्ण से पांडवों को न मारने का वचन लेने हेतु स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें वहां भेजा था। जैसे ही कर्ण ने कुंती को देखा वो नतमस्तक हो गया और उसने माता कुंती के पैर छूकर प्रणाम किया। बालक, तुम मेरे पुत्र हो। पांडव तुम्हारे छोटे भाई है। तुम अपने भाइयों को ही अपना शत्रु समझ रहे हो। तुमने वचन दिया है कि तुम उन्हें मार डालोगे। ऐसा मत करो। माता कुंती, यह सत्य है कि आप मेरी माता हो, पर इस बात से लोग तो अब तक अपरिचित ही है। ये पुत्रों का कर्तव्य नहीं है कि वे अपने माता पिता के इच्छाओं का ध्यान रखें? अपने छोटे भाइयों से मिलाप कर लो, मेरी बात मानो। जिन्होंने मेरा ध्यान रखा, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, वही मेरे माता पिता है। उन्हें मैं कैसे भूलूं? तुम अपने ही भाइयों को कैसे मार सकते हो? ये युद्ध का समय है। पिछले 13 साल से मैंने अंगदेश का राज्यभार संभाला है। माता, मैं वचन देता हूं कि युद्ध में मैं अर्जुन के अलावा किसी भी पांडवों को नहीं मारूंगा। और चाहे मैं अर्जुन को मारूं या अर्जुन मुझे, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी भी हाल में आपके 5 पुत्र निश्चित ही जीवित रहेंगे। और इस तरह महाभारत के महायुद्ध की शुरुआत हुई। शंख बज उठा। कौरों के मुख्य सेनापति भीष्म ने घनघोर युद्ध कर पांडवों के सेना से 10 दिन युद्ध किया और पांडवों के हजारों सैनिकों को मार डाला। यहां तक कि शक्तिशाली अर्जुन भी उन्हें रोकने में असफल रहे। किंतु 10 दिन लड़ने के पश्चात आखिरकार अर्जुन ने अपने धनुर्विद्या से पितामह भीष्म को शरशैया पे निद्रिस्त किया। कर्ण भीष्म से नाराज थे क्योंकि भीष्म उनका अपमान किया करते थे, किंतु इस युद्ध में उनका पराक्रम देखकर कर्ण का क्रोध भी शांत हुआ। उसकी आंखें भर आई। नतमस्तक हो उसने भीष्म से क्षमा याचना। हे महाशक्तिशाली भीष्म, मैं कर्ण हूं। मैं आपको वंदन करने आया हूं। आप सचमुच महान योद्धा हो। कर्ण, तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी घृणा करता हूं,
है ना? नहीं पुत्र, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई बैर या कोई तिरस्कार की भावना बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम एक महान योद्धा हो, तुम भगवान की तरह हो, उदारता और पराक्रम में तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। युद्ध कला में तो तुम अर्जुन और कृष्ण के समान हो। तुम एक महान योद्धा हो कर्ण, महान योद्धा। तो पितामह भीष्म, आप हमेशा ऐसा क्यों कहते थे कि मैं बहादुर और शक्तिशाली नहीं? कर्ण, मैं तुम्हें ऐसा इसलिए कहता था क्योंकि तुम्हें अपनी शक्ति पर बहुत गर्व था। एक सच्चा योद्धा अपनी शक्ति कभी नहीं दिखाता, उसका गर्व नहीं करता। कारण मैं तुमसे कठोरता से बात इसलिए करता था कि मैं तुम्हारा मिथ्याभिमान जान सकूं। हे पितामह, अगर मैंने कभी आपसे नाराजगी में कठोर बात की हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। कारण मुझे लगता है कौरवों को युद्ध जीतना असंभव है। तुम पांडवों से मिल जाओ और दुर्योधन को भी सलाह दो, कहो कि वो युद्ध रोक दे, तब तुम लोग शांति से रह सकते हो। हे पितामह भीष्म, पांडवों से मिल जाना मेरे लिए असंभव है। युद्ध में हार हो या जीत, मैं अंत तक दुर्योधन की तरफ से ही लड़ूंगा। उसे मुझ पे विश्वास है, वो मेरा मित्र है। घमासान लड़ाई जोर शोर से चल रही थी। घटोत्कच ने उस दिन घनघोर युद्ध किया। वो राक्षसनी हिडिंबा और भीम का पुत्र था। बहुत ही शक्तिशाली और युद्ध निपुण जादूगर था। घटोत्कच की जादूगिरी देखकर कौरव सेना चकरा गई। घटोत्कच की ऐसी शक्ति को देखकर कौरव आश्चर्यचकित हो गए। चिंता मत करो, मैं अभी उसका वध करता हूं। हे घटोत्कच, क्या मुझसे मुकाबला कर सकते हो? कर्ण, मैं तुमसे बलवान हूं। मैं राक्षसी हिडिंबा और भीम का पुत्र हूं। तुम मुझे नहीं मार सकते। हो महाबली कर्ण की जय हो। कर्ण ने घटोत्कच का वध कर दिया। अब हम पांडवों को भी हरा सकते हैं। हो कर्ण के पराक्रम को देखकर कौरव सेना अत्यानंदित हुई। किंतु उधर यह बात सुनते ही कि कर्ण ने वैजयंती अस्त्र का प्रयोग किया है, अर्जुन और कृष्ण ने चैन की सांस ली, क्योंकि सिर्फ वैजयंती ही एक ऐसा अस्त्र था जो अर्जुन का वध कर सकता था। युद्ध चलता रहा और द्रोणाचार्य 5 दिन तक लड़ते रहे, किंतु एक तेज बाण ने गुरु द्रोणाचार्य के सीने को भी छेद दिया। गुरु द्रोण ने मृत्यु समय कर्ण से कहा, कर्ण, मैं तुम्हें सेना का मुख्य सेनापति बनाता हूं। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है कर्ण, सेना की जीत अब तुम्हारे हाथों में है। गुरुदेव, आप चिंता ना करें, जब तक मैं जीवित हूं मैं पांडवों को यह युद्ध जीतने नहीं दूंगा। मैं उनका सर्वनाश करूंगा, विशेषकर अर्जुन का। उसके बाद कर्ण कौरवों के मुख्य सेना नायक बने। उनके युद्ध के पहले ही दिन उन्होंने नकुल को हराया, जो 5 पांडवों में से एक था। वो बड़ी आसानी से नकुल का वध कर सकता था, किंतु माता कुंती को दिए वचन के अनुसार उसने नकुल को जीवन दान दे दिया। कर्ण अर्जुन का वध करने के लिए व्याकुल था। हर तरह से उसने अर्जुन को मात भी दी थी, किंतु
कर्ण के पास कृष्ण जैसा सारथी नहीं था। यदि मेरे पास कृष्ण जैसा महान सारथी होता तो मैं अर्जुन का वध सहजता से कर सकता था। कृष्ण के पास रथ चलाने की असामान्य कला है। अगर कृष्ण जैसा ही कोई कुशल सारथी है तो वो शल्य, और इसीलिए कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि वो शूरवीर शल्य से अनुग्रह करे कि वो कर्ण का सारथी बने। लेकिन इससे हानि तो कर्ण की ही थी, क्योंकि शल्य पांडवों के मामा थे। फिर भी वो शल्य से विनती करने पहुंचा और उसने शल्य से कहा, महावीर शल्य, मैंने सुना है आप कुशल सारथी हो। मैं अर्जुन को पराजित कर सकता हूं अगर आप मेरे सारथी बन जाए तो। क्यों नहीं कर्ण, मैं तैयार हूं। मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है, और मैं तुम्हारे रथ का मार्गदर्शन भी आसानी से करूंगा। कर्ण को शल्य के बारे में बहुत कम जानकारी थी, जबकि शल्य कौरों में मिल गया था। लेकिन वो पांडवों को बहुत प्यार करता था और उनके ही पक्ष में भी था। पांडवों ने शल्य से गुप्त प्रार्थना की थी कि आप कर्ण का सारथी बने, क्योंकि कर्ण को उस पर विश्वास भी था। कर्ण, मुझे अर्जुन की शक्ति का ज्ञान है। वो सचमुच सबसे कुशल और महान योद्धा है। बहुत बार मैंने उसे रणभूमि पर लड़ते हुए देखा है। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? आप ये नहीं जानते मेरे आगे अर्जुन कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं कि तुम महान हो, लेकिन कर्ण, मेरा विश्वास करो, अर्जुन के पास जो शस्त्र हैं, वह देवताओं ने उपहार में दिए हैं। वह शस्त्र तुम्हारे शस्त्रों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों मूर्खों जैसी बातें करते हो? आपको वास्तव में मेरी शक्ति और कुशलता का अंदाजा नहीं। हमेशा शल्य अर्जुन के महान गुणों का वर्णन किया करता था, किंतु इससे कर्ण कभी हताश नहीं हुआ और ना ही उसने अपने आप को कभी कमजोर होने दिया। और उस दिन तो अर्जुन और कर्ण के बीच घनघोर युद्ध हुआ। कर्ण आश्चर्यजनक कुशलता से युद्ध कर रहा था, जिसे देखकर दोनों तरफ की सेना में कपकपी मच गई थी। हे अर्जुन, अपने आप को संभालो, ये बाण तुम्हारे प्राण लेगा। मैं तुम्हारे बाणों से घबराता नहीं हूं। हाँ, मुझे देखना है कि तुम इससे किस तरह से कुचले जाते हो। मैं कर्ण हूं, मैं भी तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकता हूं। इतना खुश मत हो कर्ण, मैं अभी भी दोबारा अपनी शक्ति प्राप्त कर लूंगा। अर्जुन की ओर देखकर लग रहा था कि अर्जुन थक गया है, कमजोर हो गया है। इसलिए कृष्ण, भीम और बाकी सब अर्जुन के पास गए और उसे पूछने लगे कि वो कर्ण का सामना क्यों नहीं कर पा रहा है। यह क्या अर्जुन, तुम्हारा लड़ना तो बिल्कुल निरर्थक है। हाँ अर्जुन, कर्ण ने तुम्हारे सारी शक्तियों को परास्त कर दिया है। अपने युद्ध में अधिक शक्ति लाओ। अपनी सारी युद्ध कुशलता और शक्ति दांव पे लगाने के बाद भी अर्जुन कर्ण से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रयोग करते ही कौरों की सेना घबरा गई, तितर बितर हो गई, किंतु कर्ण वहां से टस से मस नहीं हुआ। हंसते हंसते उसने एक शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया और अर्जुन के अस्त्र को शक्तिहीन कर दिया। अर्जुन का शस्त्र मेरे शस्त्र से ज्यादा शक्तिशाली नहीं। बार बार अर्जुन एक से एक शक्तिशाली अस्त्र कर्ण पर छोड़ता रहा और हर बार कर्ण उसे अपने अस्त्रों से शक्तिहीन करता रहा।
अब बहुत हो गया अर्जुन का बचपना, उसे मारने के लिए सर्पबाण का प्रयोग करूंगा। अब की बार कर्ण ने अर्जुन पर सर्पास्त्र छोड़ा, लेकिन कृष्ण ने अपनी चतुराई दिखाते हुए रथ को नीचे किया और कर्ण का सर्पास्त्र केवल अर्जुन का मुकुट ही भेद पाया। कर्ण समझ गया कि उसका सर्पास्त्र व्यर्थ हो गया। मेरे सर्पबाण से अर्जुन बच गया, उसे मारने के लिए दूसरे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग करूंगा। केवल कृष्ण के चतुराई के कारण ही अर्जुन बच गए थे, अन्यथा कर्ण का निशाना इतना पक्का और सटीक था कि अर्जुन सचमुच मारा जाता। लेकिन कर्ण ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया और उसने अपना दूसरा अस्त्र उठाया अर्जुन को मारने के लिए, किंतु उसी समय परशुराम जी का श्राप अपना कार्य करने लगा। कर्ण को बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा था कि वो इस अस्त्र का प्रयोग कैसे करे, वो कैसे इस्तेमाल करे यह अस्त्र, उसके समझ में नहीं आ रहा था। और श्राप को तो अपना कार्य करना ही था। उसी समय कर्ण के रथ का बाया चक्का जमीन में धंस गया और घोड़े लड़खड़ा उठे। कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा, अर्जुन यही समय है, अपने बाण से कर्ण का वध कर दो। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ये उचित नहीं है। कर्ण इस समय लाचार है, ये बात किसी योद्धा को शोभा नहीं देती। अर्जुन, मेरे रथ का पहिया जमीन में धस गया है, मैं उसे बाहर निकालता हूँ, इसके बाद हम लड़ाई फिर से शुरू करेंगे, तब तक तुम मुझ पर बाण मत चलाओ। कृष्ण मैं क्या करूं, मैं कर्ण को निशाना नहीं बना सकता। अर्जुन एक सच्चा योद्धा था और युद्ध के नियमों का पालन करता था, किंतु अब परशुराम का श्राप भी सही साबित हो रहा था और भगवान की भी यही इच्छा थी कि कर्ण की मृत्यु हो। अर्जुन अधिक संकोच मत करो, अन्यथा तुम उसे कभी मार नहीं पाओगे, मेरी बात मानो, उस पर बाण चलाओ। अर्जुन ने अंजाली का बाण का संधान कर कर्ण को निशाना बनाया और बाण कर्ण के सीने में चुभ गया। कर्ण का शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर गया, परंतु प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप का दर्शन मृत्यु पूर्व कर्ण के ऊपर आए। कर्ण यथार्थ कर्ण ने अपने मित्र और गुरु के लिए बलिदान कर दिया, वो सच्चाई और वफादारी का एक प्रतिबिंब बन गए। सच कहे तो पांडवों की जीत नहीं हुई थी। युद्ध के 18वें दिन कौरव नष्ट हो गए थे और साथ ही उनकी हार भी हो गई थी। कर्ण की मौत के पश्चात माता कुंती ने कर्ण की सच्चाई पांडवों को बताई कि वो कर्ण की भी माता थी और पांडवों में कर्ण सबसे ज्येष्ठ था। तुमने अपने ही भाई को मार डाला, किंतु माता
हो सकता था ऐसी कवच कुंडलों को भी दान करने वाला दानवीर असाधारण योद्धा कर्ण महाभारत का महानायक करके पहचाना जाता है। ऐसा ये कर्ण अमर है, महावीर कर्ण।